शिवपुरी में सोमवार को जिला अस्पताल में आरक्षक से बदसलूकी कर जबरन बाइक परिसर में ले जाने वाले युवक की पुलिस ने तलाश कर ली है। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर उससे 1000 रुपए का चालान भरवाया, बल्कि उसने पुलिस के साथ जो बदसलूकी की उसके लिए भी पुलिस से युवक ने माफी मांगी। पूरा मामला ये है कि शिवपुरी शहर के लुधावली में रहने वाले अजय ने सोमवार को नियम कानून ताक पर रखकर जिला अस्पताल में जबरन अपनी बाइक घुसाई थी। इसके बाद जब आरक्षक ने बाइक हटाने को कहा तो आरक्षकों को धमकाते हुए वो अपनी बाइक छुड़ा ले गया। वहीं जब तक इस पूरी घटना का वीडियो बनकर वायरल हो गया, उसके बाद रणवीर सिंह यादव सूबेदार ने तत्परता के साथ न सिर्फ युवक और उसके घर की तलाश की, बल्कि उसे यातायात थाने बुलाकर उसका 1000 रुपए का चालान भी काटा। तारीख की घटना है, 1 बजे जिला अस्पताल पे हमारा आरक्षक ड्यूटी कर रहा था पवन कुमार। उसी दौरान ये लड़का है अजय गोस्वामी, जो धावली का रहने वाला है, ये अपनी बाइक पे आता है और बहसबाजी करने लगता है ट्रैफिक कर्मी के साथ, जबरदस्ती अंदर भी जाने की कोशिश करता है और वो अंदर भी जबरदस्ती चला जाता है। उसके बाद ट्रैफिक कर्मी द्वारा उसको वापस से अस्पताल के बाहर करने का प्रयास किया, जिसमें वो उससे बदतमीजी करता है। इसका आप लोगों ने देखा, वो वीडियो वायरल भी हुआ है। उसके बाद आज उसको गाड़ी को जब्त कर थाने लेके आए और उसकी, क्योंकि वो बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था तो उस पर एमबीएक्ट की धारा में चलाने के 1000 रुपये जुर्माना भी किया है और उसके माफ़ीनामा में उसने लिख के दिया है कि भविष्य में वो इसी तरह की घटना ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा। नहीं, उसने बता रहे थे कि कॉल किया होगा, कभी कभी क्या होता है कि कॉल नहीं सुन पाते हैं, थाने को बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण हम तक सूचना नहीं मिल पाई थी। फिर उनको सबको बता दिया गया कि ऐसे कोई कभी घटना हो तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। और मैं एक संदेश देना और भी चाहूँगा कि शहरवासियों के लिए कि आप एक तो पुलिसकर्मी के साथ बहसबाजी ना करें, वो भी ड्यूटी कर रहा है, और फिर चाहे आप कोई हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बहसबाजी करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो सबके खिलाफ कार्रवाई, जो है ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।